प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार को निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटे का फर्ज निभाते हुए मां का अंतिम संस्कार करने के बाद अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए राष्ट्र सेवा में जुट गए। पेश एक रिपोर्ट। तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। ये तस्वीरें आपको अंदर तक हिला देंगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री एक बेटे के रूप में अपने दायित्वों को निभाते हुए, अपनी मां के जाने का दुख किसी बेटे के लिए कितना बड़ा होता है, ये इन तस्वीरों के जरिए झलकता है। पीएम मोदी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करते दिखे। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पीएम ने मां को मुखाग्नि दी। हीराबा का अंतिम संस्कार सनातन धर्म के अनुसार सारे विधि विधान से बेहद सादा तरीके से किया गया, जिसमें केवल परिवार और कुछ निकट के ही संबंधी शामिल हुए। मां हीराबा के अंतिम संस्कार करने के बाद पीएम मोदी काफी देर तक वहीं खड़े रहे, मां की चिता को देखते रहे। पीएम मोदी ने अपना कोई तय कार्यक्रम रद्द नहीं किया। पीएम शमशान घाट से निकलकर सीधा पहुंचे गुजरात के राजभवन। वहां से वे बंगाल में चल रही गंगा परिषद की बैठक से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत की शुरुआत की। पीएम मोदी की इन बातों से दिखता है कि उनकी मां ने अपने बेटे को किस तरह के संस्कार दिए हैं। पीएम मोदी को राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के संस्कार भी माँ से ही मिले हैं, क्योंकि माँ सिर्फ शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी करती है।